बात करेंगे लुपिन के बारे में। प्रीवियस क्लोज की तरफ सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी, 663 का इसका प्रीवियस क्लोज था और इसकी शुरुआत देखेंगे तो 665 के आसपास दरमियान से इसका होता है और इसमें आपको घाटा ही नज़र आता है। इस तरीके के ट्रेड में आप देखेंगे तो एक सिंगल मीडियन आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है और इसमें फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है कि उसी फ्लक्चुएशन के चलते ये कन्फ्यूज़ हो जाता है, इसलिए इसमें आपको चढ़ाई कहीं नज़र नहीं आता। गिरावट के अलावा बहुत छोटे 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 आपको यहाँ पे अपर बॉटम का सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है, तो कहाँ कहाँ है ये एक रहा, ये जब सपोर्ट मिलता है तो इसमें छोटा छोटा रेजिस्टेंस तैयार तो हो रहा है लेकिन वो कमज़ोर रेजिस्टेंस होता है जो इसको ऊपर की ओर ढकेलता नहीं, उल्टा नीचे की ओर ले जाता है। इसी के चलते और बात करते हैं तो लुपिन की, तो लुपिन का परफॉर्मेंस मैं आपको बताता हूँ लुपिन का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले कुछ सालों से। सबसे पहले आप देखिए इस बात को, अगर आपका लुपिन में है शेयर है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पिछले एक महीने में इसने क्या किया है। पिछले एक महीने में 0.86 का इसमें गिरावट है, छः महीने में इस कंपनी में 14% का गिरावट है, साल भर पहले देखेंगे तो 31% का गिरावट है, 5 साल पहले का देखते हैं तो 5 साल पहले भी इसमें आपको 36% का गिरावट दिखता है। मैक्सिमम देखेंगे तो अब होगी आपको हैरानी, क्यों मैक्सिमम में इसके पास बहुत शानदार नंबर है तो 27,000 इसने आपको रिटर्न दिया है, लेकिन 27,000 रिटर्न ज़रूर दिया है तो कंपनी शुरू भी बहुत 99 से हुई है। इसका पिक पॉइंट कब आया था, पिक पॉइंट आपको दिखता है 2015 में जब 16,096 तक गया था, उससे भी ज़्यादा हुआ था, लेकिन अब कहाँ है, अब बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। ये कब तक नीचे ट्रेड करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहली बात है कि फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा वोलाटाइल चल रहा है, बिल्कुल भी फार्मा और टेक इसमें पिटाई जम के हो रहा है, तो बिल्कुल जुबा केसरी वाला मामला होते जा रहा है, तो इसलिए आपका इसमें निवेश करना वो आपके विवेक पे निर्भर करेगा, आपके बुद्धि पे निर्भर करेगा।